प्रणाम माते। आयुष्मान भव, तुम्हें देखने को मेरे नयन तरस गए हैं पुत्र। कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र? जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ, आपको वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जो कि एक पुत्र का धर्म है। पर क्या करूँ, मैं विवश हूँ। विवश हो? किससे? किसने विवश किया तुम्हें पुत्र? मेरे संकल्प ने, मेरे निश्चय ने, मेरे निर्णय ने। और आज भी मैं आपको कोई सुखद समाचार देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ 10 वर्ष के लिए। जा रहे हो 10 वर्ष के लिए? तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने शिवशंकर के पास कैलाश पर्वत पर जाने का निर्णय किया है। मैं उनके साथ 10 वर्ष तक रहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखूंगा। आपकी अनुमति लेने आया हूँ। जब निर्णय ले ही लिया है तो अनुमति की कोई आवश्यकता तो रह ही नहीं जाती पुत्र। अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने की अनुमति तो तुमने मुझसे मांगी नहीं, अब जाने के लिए अनुमति मांगकर औपचारिकता क्यों निभा रहे हो? ऐसा मत कहिए माते, आप तो भली बात ही जानती है कि परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय पर विवश कर दिया है। ऐसा लगता है पुत्र, इस संसार में केवल माँ और ममता ही विवश नहीं है, शेष सब किसी ना किसी कारण से विवश हैं। क्या बात है राम, कहाँ जा रहे हो तुम? तो माता की अनुमति की आवश्यकता पड़ गई है? मैं कैलाश जा रहा हूँ पिताश्री। कैलाश क्यों? क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूँ कि अत्याचार को चुपचाप सहते रहना भी स्वयं पर अत्याचार है, आतंक का मुख दर्शक बने रहना भी आतंक को प्रोत्साहित करना है। मैं सहस्रार्जुन का अत्याचार और आतंक समाप्त करने के लिए भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ पुत्र, किंतु मुझे अभी ये लगता है कि तुम अधीर हो उठे हो, तुम धैर्य से कार्य नहीं ले रहे हो पुत्र। आप जिसे धैर्य कहते हैं मुझे उस पर आत्महत्या का संदेह होता है, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता पिताश्री, किंतु मैं उस मृत्यु के नाम से भी घृणा करता हूँ जो केवल इसलिए आदबोचे कि हमने जीने का प्रयत्न ही नहीं किया था। पुत्र, यदि तुम जाने की हट कर रहे हो, अच्छा तो एक बात याद रखना पुत्र, ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता। यदि मेरा ब्राह्मण होना ही मुझे अन्याय से लड़ने से रोकता है तो जाइए पिताश्री, मैं आज से ब्राह्मण नहीं रहा। विजय भव पुत्र, विजय भव। Thank you.
आओ पुत्र, निश्चित समय पर आकर तुमने शिष्य धर्म का प्रथम पाठ पूर्ण किया। यशस्वी भव। चिरंजीवी भव। महादेवी, ये जबदग्नि पुत्र राम है और राम ये आचार्य। महादेव, माता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे संसार की सारी माताओं को मातृत्व का दान मिलता है, ये वो जगदम्बा है। महादेवी, देखा आपने किस प्रकार हमारा शिष्य हमारे कैलाश को रंगोली से सजाता आया है। देवाधिदेव, ये तो रक्त है, हमारे राम के कोमल पैरों का रक्त। इसने तो हमारे धाम को अपने पैरों के रक्त से धोकर आपकी गुरु दक्षिणा पहले ही दे डाली। क्षमा करे देवाधिदेव, कैलाश तक आने में कदाचित पैर छिल गए होंगे, लक्ष्य की ओर ध्यान था, पता ही नहीं चला। नहीं पुत्र, इतना भावहीन, इतना संवेदन शून्य होना अच्छा नहीं। आचार्य, ये तो मेरा अपना रक्त है, किंतु शैस्त्र अर्जुन तो निर्दोष आचार्यों और गुरुओं का रक्त बाता है और उसे उसका पता ही नहीं चलता। भावनाहीन और संवेदन शून्य तो वो है, और उसके लिए मुझे भी संवेदन शून्य होना पड़ेगा। बस पुत्र बस, ये तेरी पीड़ा की चरम सीमा है। एक ब्राह्मण के शरीर से रक्त प्रवाहित हो और उसे उसका पता ना चले, उसकी पीड़ा का आभास ना हो, ये संभव नहीं है पुत्र। बस पुत्र बस, तू शिव के धाम आया है, तूने शिव को अपना आचार्य कहा है। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति का एक पूर्ण अंश दूंगा। मैं तुझे पशुपतास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं तुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का आचार्य बनाऊंगा। बस पुत्र, तू अपनी साधना में लीन हो जा, और जिस प्रकार तुझे अपने पैरों से रिश्ते में रक्त का पता नहीं चला, उसी प्रकार तुझे इस कठिन शिक्षा की कठिनाई का भी पता नहीं चलना चाहिए। हे जबदग्नि पुत्र राम, मैं शिव गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि मैं अपने गुरु धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। एक भयानक और बहुत दूरगामी कथा आरंभ हो चुकी है। क्या हो गया है गुरुदेव? एक लौह दूसरे लौह से टकरा गया। सहस्त्र अर्जुन ने मेरे एक भक्त को बंदी बना लिया। तब तो आप सहस्त्र अर्जुन को अवश्य दंडित करेंगे। नहीं वत्स, सहस्त्र अर्जुन को दंड देने का कार्य विधाता ने किसी और के भाग्य में लिखा है, और वैसे भी मेरे भक्त लंकापति रावण को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। सहस्त्र अर्जुन के इस कार्य से रावण के अभिमान की कम से कम एक परत तो कम हो ही जाएगी। मेरे लिए क्या गया है गुरुदेव? तुम्हारे अभ्यास का पहला चरण आज से आरंभ होगा वत्स। हे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हिमजल में खड़े होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना होगा। प्रत्येक बाण छोड़ने के पश्चात तुम्हें अपना हाथ उस शीतल हिमजल में डुबोना होगा। तुम्हारा यह अभ्यास एक दो दिन का नहीं होगा, पूरे 10 वर्ष का होगा। किंतु उस हिमजल की शीतलता को आत्मसात कर लेने और इस कठोर अभ्यास के पश्चात तुम एक ऐसे धनुर्धारी बन जाओगे जिसके जैसा दूसरा धनुष बाण चलाने वाला
इस धरती पर अनंत काल तक जन्म नहीं ले सकेगा। जाओ वत्स, अपने अभ्यास का शुभारंभ करो। जाओ वत्स। माँ हूँ, धरती माँ, ठिठुरते पानी में, कपकपाते शीत में, बालक परशुराम ने अपने गुरु शिव शंकर के आदेश पर धनुर्विद्या का कठोर अभ्यास आरंभ किया था। हर दिन उस बालक के धैर्य की परीक्षा कर रहा था, पर वो हर परीक्षा में सफल होता रहा और इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हे
शंभो, हे शिव शंभो, शंभो। उठो वत्स। शंभो। इस कठिन अभ्यास के फलस्वरूप, जो किसी भी प्रकार एक कठोर तपस्या से कम नहीं था, तुमने अपने आप को धनुर्विद्या का सर्वोत्तम जानकार बना लिया है। शंभो। इस हिमजल की शीतलता को सहन करके तुमने अपने आप को एक ऐसा आचार्य बना लिया है जिसका उदाहरण ना अभी तक कभी हुआ है ना ही भविष्य में होगा। धन्यवाद गुरुदेव, परंतु हे शंभो, हे देवाधिदेव, मैं आचार्य नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य धूर्त सहस्रार्जुन के आतंक का अंत करना है, जो उसके वध के बिना संभव नहीं है। शिव शंभो, मैं जानता हूं जितने समय तुम अपने अभ्यास में लीन थे, वो दुष्ट इतना बड़ा आतताई, आतंकवादी और बलात्कारी बन चुका है कि सारी धरती कराह उठी है। उसने आपके पिता सहित सभी ऋषियों का जीवन दयनीय बना दिया है। अब उसके आतंक का अंत करना आपके हाथों में, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हे देवाधिदेव, परंपरा है कि शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। मुझे आदेश दीजिए हे शिव शंभो, कि आपके चरणों में ये आपका शिष्य क्या गुरु दक्षिणा भेंट करे। गुरु दक्षिणा गुरु का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो मैं अवश्य लूंगा, किंतु अभी नहीं। अभी तो जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा भी। सहस्र अर्जुन के अत्याचारों का अंत जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं गुरु दक्षिणा भी अवश्य लूंगा। हे देवाधिदेव, हे शिव शंभो, आप जब भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे और जो भी मांगेंगे, मुझे उसे देने में हार्दिक प्रसन्नता होगी। ये लीजिए, आज से बिना धनुष आपका हुआ, इसे अपने साथ ले जाइए। परंतु सहस्र अर्जुन को समाप्त करने के लिए यह धनुष पर्याप्त नहीं होगा, अतएव मैं आपको एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिसका शस्त्र के रूप में प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। एक ऐसा शस्त्र जो आपकी पहचान बनेगा, जिसका नाम आपके नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। ओ राम, ये परशु है, इसे लीजिए और अपने अभियान का शुभारंभ कीजिए। इस परशु के कारण आपका नाम परशुराम होगा, आप अनंत काल तक इसी नाम से जाने जाएंगे। ये परशु आपकी पहचान बनेगा। आपको पूरी रात इस शस्त्र की पूजा करनी होगी।